Today, we are going to discuss last part of our lesson, the theme story. यहाँ तक I think we have already learned कि हरि मैट्रिक्स के अंदर जो बंडल का नोट था वो चुरा के रेलवे स्टेशन तक आराम से पहुंच चुका था. Then after, in front of him, train left. वो चाहता तो जंप करके अंदर जा सकता था, बट नो, ऐसा उसने नहीं किया. उसने क्यों नहीं किया वो अब हमें देखना है. ओके, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माईसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे नहीं पता था कहाँ पे रात बिताऊंगा. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन दैट. मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ट्रबल ज्यादा देते हैं, हेल्प कम करते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन. स्टेशन के पास तो बहुत सारे होटल्स थे, पैसे भी थे, वहां पे रुक भी सकता था, पर किसी के अंदर की क्यूरियोसिटी नहीं मुझे जगा रही थी. The only person I knew really well was the man I had robbed. बहुत ही अच्छे से मैं एक ही पर्सन को जानता हूँ और वो वही है जिसको मैंने रॉब किया, मतलब जिसके वहां मैंने चोरी की. Leaving the station, I walked slowly to the bazaar. मैं बाजार के थ्रू मतलब वहां पे वापस जा रहा था अनिल के पास. In my short career as a thief, मेरी छोटी सी करियर थीफ थीफ की जो मेरी करियर थी, I had made a study of man's face. मैंने लोगों के चेहरे का स्टडी किया. ओके, when they had lost their goods, और जब वो अपना माल सामान सब चुराया हुआ पाते हैं, मतलब चोरी हो जाती है, उसके बाद उनका फेस जो है वो कैसा होता है वो मैंने रीड किया है. The greedy man, लालची जो है, showed fear, उसे डर लगता है. The rich man showed anger, पैसे वाला है वो अगर उसके वहां चोरी हो जाए तो वो गुस्सा दिखाता है. पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब होता है वो स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट कर लेना कि चलो हो गया चोरी को हो गया. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, पर मुझे पता है व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. मतलब हरेक के अंदर दिल होता है वो यहाँ पे ट्रू हो रहा है. काइंडनेस, लव, ये सारी चीजें जो है, ये फीलिंग्स जो है वो बुरे से बुरे इंसान को भी टच तो करती है. वो फिर उसे एक्सेप्ट करे नहीं करे, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा जिए नहीं जिए, इट इज डिफरेंट थिंग, बट टच तो सबको होता ही है. उसने कहा कि ग्रीडी मैन डर दिखाएगा चोरी होने पर, जो रिच मैन है वो गुस्सा दिखाएगा, पुअर मैन है वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट अनिल को जहां तक मैं जानता हूं तो उसके फेस पे सैडनेस आ जाएगा. इसीलिए नहीं कि उसका मनी गया है, बट इसीलिए कि उसका ट्रस्ट चला गया इंसानियत के ऊपर से. आई फाउंड माइसेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच. एक मैदान के बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड थी. इट वॉज अर्ली नवंबर. ओके, लाइट ब्रिजर डेले टू माई डिसकम्फर्ट. धीमी धीमी बारिश होने लगी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, बहुत ही जोरों की बारिश शुरू हो गई. माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. मतलब जैसे भीग जाते तो कपड़े चिपक जाते. लाइक दैट आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. क्लॉक टावर के नीचे उसने शेल्टर लेने के लिए गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई वेट फॉर द नॉट देयर देन फ्रॉम द डे. नोटों का बंडल जो था वो बिक चुका था. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग यू प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैव इट ऑल. वो अनिल के पैसे थे, शायद हो सकता कि आज सुबह वो मुझे 2-3 रुपये देता सिनेमा देखने के लिए, पर अभी तो ये सारे के सारे मेरे पास है. आई कुडंट कुक हिज मील. अब मैं उसका उसके लिए खाना नहीं पका सकता.
run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. मैं अपनी लाइफ में कभी पूरा सेंटेंस लिखना नहीं सीखूंगा, उसके लिए खाना नहीं पका पाऊंगा. अब उससे रिपेंटेंस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों उसे चीट किया. I have forgotten about them in the excitement of the theft. मैं सब भूल गया चोरी के एक्साइटमेंट में. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. वो जो पूरा सेंटेंस मीन्स कि अगर मुझे लिखना पढ़ना सब आ जाता तो मैं बहुत सारे रुपए कमा सकता था. I was simple mental to steal it was and sometimes just as simple to recall. But to be really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to only. I told myself if only to learn to read and write. मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा इंसान था और मुझे पढ़ना लिखना सीखना चाहिए. I hurried back to the room feeling very nervous for it is much easier to steal something than to return it. I'm detective. पता नहीं चले ऐसे वापस रख देना वो तो और भी टॉफ है. चोरी करना तो क्या है, वहां से निकाल लेना, पर उसी ही स्थिति में उसे वापस रखना इट इज टू टॉफ. ये तो बहुत ज्यादा टॉफ था क्योंकि कभी उसने ऐसा किया ही नहीं था. I opened the door quietly. धीरे से डोर खोला and stood in the doorway in cloudy moonlight. Anil was still asleep. Anil abhi bhi so hi raha tha. I grabbed the head of the bed and my hand came up in the knots. I felt his breath on my hand. Mere haath pe uski saans jo hai wo main feel kar raha tha. Itna matlab dast nahi, wo mattress ke andar rakhna tha isliye. I remained still for the minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the knots. मैंने अंदर रख दिए knots वापस जहाँ से लिए थे. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं उठा तो Anil ने already tea बना ली थी. He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ लंबाया मेरी तरफ. There was a 50 rupees note between his finger. उसके हाथ में 50 rupees का नोट था. My heart sank. I thought I had been discovered. मुझे लगा मैं पकड़ा गया. I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. कल मैंने कुछ कमाया था, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें रेगुलर पेमेंट दूंगा. My spirits rose. मेरी अंतरात्मा जाग उठी. But when I took a knot, I saw it was still wet from the night's rain. अभी भी वो भीगे हुए थे.